तो हमारे बीच से एक और लेजेंड हीरो जा चुका है, हमारे सर रतन सिंह टाटा सर यार, जो गरीबों के लिए मसीहा माने जाते थे यार। मसीहा नहीं यार, यानी कि एक गरीबों के लिए भगवान की समान थे यार। वह यानी कि इनकी नजर में सब व्यक्ति एक जैसे ही थे यार, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो यार, लेकिन इनकी नजर में सब वो यार गरीब एक हीरो होते थे। आज के दौर में सब यार बड़े बड़े जो लोग होते यार गरीबों को यार दूर हटाते हैं, पर यार ये व्यक्ति क्या करते थे यार, उन गरीबों को अपने पास बिठाल कर खाना खिलाते थे यार। अगर इनकी अच्छाई में आप लोगों को गिनाऊं तो मेरी शायद उम्र खत्म हो जाएगी यार, लेकिन इन सर के सर रतन सर के टाटा सर के यार यार मतलब अच्छे कारनामे खत्म नहीं होंगे यार। तो आज हम सभी भारतीय फैन के लिए यार, मतलब हम सभी भारतीय लोगों के लिए काफी दुख भरी खबर है यार, सर रतन सिंह टाटा सर का निधन हो चुका है यार। जो हमारे सर थे यार काफी टाइम से बीमार चल रहे थे और उनकी एज भी काफी ज्यादा हो चुकी थी यार, लेकिन आज उनका यार निधन हो चुका है यार। तो हम सभी भारतीयों के लिए यार काफी ज्यादा दुख भरी खबर है यार। दुख भरी खबर क्या है, जितने भी गरीब लोग हैं यार उनके यार सर से एक पिता का हाथ हट चुका है यार। आज जितना हमारे लेजेंड हीरो सर रतन सिंह टाटा सर ने यार हम जितना हम गरीबों के लिए किया, अगर इतना ही और व्यक्ति अगर करते जो बड़े बड़े यार सेलिब्रिटी वगैरह हैं यार, तो आज हमारा भारत में कोई भी इंडियन गरीब नहीं होता यार, हर इंडियन एक अमीर माना जाता है यार। लेकिन सर रतन सिंह टाटा सर ने यार हर एक इंडियन फैन के दिल में यार एक घर बनाकर रखा है। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर पैर छूकर विनती है, अगर आप लोग सर रतन सिंह टाटा सर को थोड़ा सा भी मानते थे यार, अपने पिता समान समझते थे यार, तो अपनी आंखें 15 सेकंड के लिए बंद करके यार उन्हें एक प्यारी सी सिद्धांत जली जलूद दे देना यार अपने घर पर यार। आई मिस यू सर, आपकी यादें हमेशा हम सभी लोगों के दिल में बनी रहेंगी।